हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ योगेंद्र कुमार जायसवाल और आप देख रहे हैं सक्सेस ट्रैक। आज हम लोग बात करने वाले हैं, अब जितनी भी वीडियो मैं अभी अपलोड करूँगा वो रहेगा पूरे चार्जिंग प्रोसीजर, कैसे उसको लाइनअप करते हैं, कैसे हर एक डिवाइस को आइसोलेट किया जाता है, कैसे उसकी चेकलिस्ट बनाई जाती है और कैसे उसको ऑपरेशन में लाया जाता है। मतलब कि चेकलिस्ट, लाइनअप प्रोसीजर और स्टार्टिंग प्रोसीजर, शट डाउन प्रोसीजर एंड आइसोलेशन प्रोसीजर पर हम लोग पूरा वीडियो बनाएंगे। और बॉयलर के लाइट अप, हर एक बॉयलर का अलग अलग लाइट अप प्रोसीजर होता है, AFBC का अलग, PFBC, CFBC, सब बॉयलर का, WHRB का हो गया, जितने भी बॉयलर्स हैं वो सब के हम लोग लाइट अप प्रोसीजर भी बनाते जाएंगे। लाइट अप प्रोसीजर बनाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, सारे जितने भी गैस लाइन होते हैं, LDO लाइन होते हैं, है ना, HFO लाइन होते हैं, और भी PCM लाइन हो गया या फिर कोल डस्ट लाइन हो गया, वो सारे चीज का प्रोसीजर, कैसे उसको पहले लाइन अप किया जाता है उसके बारे से हम लोग पहले देखेंगे। फिर जब सब चीज समझ में आ जाएगा उसके बाद फिर लाइट अप प्रोसीजर हम लोग करेंगे, ठीक है। तो क्या है कि इसको हम लोग को पहले जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग बॉयलर में जब भी लाइट अप की बात आती है तो क्या रहता है, पानी, ठीक है। मतलब कि वाटर लाइन को सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ता है, लाइन अप करना पड़ता है। वाटर लाइन होने के बाद में हम लोग को एयर लाइन में क्या आ जाएगा, IDFT दोनों आ जाएंगे, है ना। उसके बाद में फिर आता है फ्यूल लाइन, तो यही तीन मोस्ट है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वाटर लाइन, वाटर लाइन को कैसे लाइन अप किया जाता है। तो आज मैं लेके आया हूँ वीडियो आपके लिए, बॉयलर फीड कंट्रोल स्टेशन लाइन अप प्रोसीजर। मतलब कि BFP के बाद, BFP के पहले का नहीं, ठीक है, BFP जब स्टार्ट हो गया उसके बाद का आगे का जो प्रोसीजर होता है उसको कैसे हम लोग बॉयलर में लाइन अप करते हैं उसके बारे से आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो चलिए, यहाँ से क्वेश्चंस तो पेपर में बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन इंटरव्यू में बहुत ज्यादा इसको पूछा जाता है कि कैसे आप लाइन अप करते हो, क्या प्रोसीजर होते हैं लाइन अप करने का फिट लाइन को। तो उसके लिए वीडियो मोस्ट इन्फॉर्मेशन हो सकता है। तो देखिए, एक छोटा सा लाइन डायग्राम बनाया हूँ जिसमें डिरेटर, BFP एंड फीड कंट्रोल स्टेशन, इकोनोमाइजर और स्टीम ड्रम, ये क्या है, एक वाटर का साइकिल है, ठीक है, यहाँ तक का, स्टीम ड्रम तक का। तो हम लोग को BFP के बाद जो यहाँ पर फीड स्टेशन है उसको हम लोग कैसे चार्ज करते हैं उसी के लिए ही ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। इसके पहले अगर BFP के पहले का अगर चार्जिंग प्रोसीजर बोलोगे तो उसका भी और बना ही दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो कई लोग इंग्लिश में बोलते हैं, उसके लिए इंग्लिश में बना दिया हूँ, हिंदी में आप लोग को प्रॉपर में समझाऊंगा ही। फर्स्ट देख लेते हैं, इंश्योर फीड वाटर हेडर चार्ज अप टू बॉयलर मैनुअल आइसोलेशन वॉल्व। यहाँ पर देखिए, एक मैनुअल आइसोलेशन वॉल्व दिया गया है। ये मैनुअल आइसोलेशन वॉल्व के पहले इंश्योर हो जाना है कि यहां तक क्या है, वो लाइन चार्ज है, BFP रनिंग कंडीशन में है, ठीक है, रनिंग कंडीशन में है और आपके आइसोलेशन वॉल्व तक पानी आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे का हम लोग चार्ज कैसे करते हैं उसके लिए चलिए देखते जाते हैं। नेक्स्ट है, फीड वाटर लाइन ऑफ कंट्रोल स्टेशन आइसोलेशन वॉल्व बाय MOV 20%, 25% हेडर, 100% हेडर एंड 30% ऑफ मैनुअल वॉल्व। मतलब कि आपके फीड स्टेशन में कौन कौन से वॉल्व होते हैं, एक 100% वाला वॉल्व होगा, एक 30%, एक 25%। 25% का उपयोग हम लोग कब करते हैं, जब हम लोग बॉयलर को लाइट ऑफ करते हैं, लाइट ऑफ करने के बाद जब वो लोड स्टार्ट करते हैं, लोड मतलब कि स्टीम प्रोवाइड करना, ठीक है, किसी टरबाइन को जब हम लोग स्टीम प्रोवाइड करना चालू करते हैं तब तक मतलब कि 20% से 30% लोड तक को कवर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 25% वाल्व का उपयोग किया जाता है, ठीक है, 25% लोड तक को मेंटेन करने के लिए। फिर उसके बाद में हम लोग 100% वाल्व को ओपन कर देते हैं ताकि हम लोग फुल लोड पर बॉयलर को ऑपरेट कर सकें। इन केस अगर कभी और पानी की आवश्यकता हो गई तो हम लोग 30% मैनुअल वाल्व को भी ओपन करके रखते हैं। फिर उसके बाद है, यहां पर देखिए, एक है 25% वाल्व, ये 30% वाल्व और ये दोनों क्या है, 100% वाल्व है, ठीक है। एक हेडर के कितने भाग में उसको डिवाइड किया जाता है, 100% वाल्व में दो हेडर रहेंगे और क्या रहेगा, एक 25% और एक 30% वाल्व रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, आल्सो इंश्योर मैनुअल वाल्व ऑफ द पर्जिंग स्टीम स्प्रे वाटर लाइन एंड अ टेम्परेटर वाल्व शुड बी क्लोज्ड। अब यहां पर आपको याद होगा,
जो अ टेम्परेटर लाइन होता है और वाटर स्प्रे लाइन होता है, जिसको हम लोग जनरली डी सुपर हीटर बोलते हैं, ठीक है। अ टेम्परेटर और डी सुपर हीटर, डी सुपर हीटर का उपयोग क्यों करते हैं हम लोग, जब भी हम लोग सिस्टम को पर्ज करते हैं या फिर गैस लाइन को पर्जिंग करते हैं, तो पर्जिंग करने के लिए जो स्टीम हम लोग देते हैं वो क्या रहता है, सुपर हीटेड स्टीम रहता है। तो उस स्टीम को हम लोग को क्या करना रहता है, डी सुपर हीटेड में कन्वर्ट करना रहता है। तो डी सुपर हीटेड के लिए डी सुपर हीटर स्प्रे लाइन का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए एक लाइन डायग्राम आपको बना देता हूं मैं, देखिए क्या क्या होता है, ठीक है। एक लाइन डायग्राम समझ लो इसको, यहां पर रहेगा आपका बीएफपी, बीएफपी के बाद में रहता है आइसोलेशन वाल्व, जो यहां पर बनाया हूं, आइसोलेशन वाल्व के बाद में रहता है आपका वेंट, वेंट हमेशा ऊपर की ओर बनता है, और वेंट के आगे रहता है ड्रेन लाइन, ठीक है। वेंट हो गया और ड्रेन हो गया, वेंट और ड्रेन के बाद में यहां पर दिया जाता है डी सुपर हीटर वाटर स्प्रे लाइन, ठीक है, डी सुपर हीटर वाटर स्प्रे लाइन, और यहीं पर ही एक रहता है अ टेम्परेटर लाइन। ठीक है, एक रहेगा डी सुपर हीटर लाइन और एक कहलाता है अ टेम्परेटर लाइन, यहीं से जाता है, ठीक। इसके बाद आगे देखते जाते हैं, तो हम लोग को क्या करना है, इंश्योर हो जाना है कि आइसोलेशन वाल्व को ओपन करने से पहले क्या होना चाहिए, वेंट ओपन होना चाहिए और ड्रेन भी क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। लेकिन वेंट को आपको पार्शियली ओपन करना है, क्योंकि सिर्फ वहां से हम लोग को ऑक्सीजन जो है पाइप के अंदर उसको रिमूव करना है, ठीक है, वेंटिंग करना है। और ड्रेन को आपको पार्शियली ओपन कर सकते हो, फुल्ली ओपन भी कर सकते हो, लेकिन प्रेशर आएगा तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, इसलिए इसको भी पार्शियली ओपन ही करना चाहिए। उसके बाद है डी सुपर हीटर लाइन क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए जब चालू कर रहे हैं उस समय, और अ टेम्परेटर का लाइन भी क्या होना चाहिए, क्लोज कंडीशन में होना चाहिए। नेक्स्ट है पार्शियली ओपन वेंट वाल्व एंड ड्रेन वाल्व ऑफ हेडर, यहां पर बताया कि वेंट क्या होना चाहिए, पार्शियली ओपन होना चाहिए, और ड्रेन भी क्या होना चाहिए, पार्शियली ओपन होना चाहिए। नेक्स्ट है ओपन वन ऑफ द टू फीड वाटर हेडर, मतलब कि आपके यहाँ अगर दो फीड वाटर हेडर है, यहाँ पर तो मैं एक ही बनाया हूँ, अगर दो फीड वाटर हेडर है तो उसमें से एक को क्या करना है, ओपन करना है फीड वाटर हेडर वाल्व, ओपन स्लोली टू इंश्योर लाइन शुड बी फ्लूडेड। अब यहाँ पर क्या करता है, जो आइसोलेशन वाल्व है, इस आइसोलेशन वाल्व को आपको पार्शियली ओपन करना है, यहाँ पर जो आइसोलेशन वाल्व है उसको पार्शियली ओपन करना है। ओपन करने के बाद अगर हम लोग को लगे कि इस पाइपलाइन में पानी भरना चालू हो गया, वो कैसे पता चलेगा, एक तो वेंट से आपका वाटर आना चालू हो जाएगा और ड्रेन से वाटर आना चालू हो जाएगा। उस कंडीशन में फिर हम लोग क्या करेंगे आगे, आफ्टर कंप्लीट ऑफ एयर वेंटिंग क्लोज द वेंट वाल्व। अब जब यहां से पानी आना चालू हो जाएगा वेंट से, तो वेंट से पानी आना चालू हो जाएगा, तो इसको क्या करना है, आपको क्लोज कर देना है, ठीक है। और साथ ही साथ में फिर पूरा प्रॉपर अगर ड्रेन प्रेशर आ गया पाइपलाइन में, तो ड्रेन को भी आपको क्या कर देना है, क्लोज कर देना है, ठीक है, बंद कर देना है, वहां से जो भी वाटर आ रहे हैं उसको बंद कर देना है। नेक्स्ट है आफ्टर अचीविंग सफिशियंट प्रेशर क्लोज टू बी ड्रेन वाल्व, ठीक है, हो गया। फॉलो द एबो टू प्रोसीजर फॉर द फ्लोडिंग एनदर फीड वाटर हेडर, दूसरे हेडर को भी अगर आपको चार्ज करना है तो सेम यही प्रोसीजर अपनाना है। नेक्स्ट है स्लोली ओपन द आइसोलेशन वाल्व ऑफ हेडर टू चार्ज द फीड वाटर लाइन अप टू फीड वाटर सिस्टम। अब क्या करना है, इसके बाद में आइसोलेशन वाल्व, आइसोलेशन वाल्व कौन सा होगा, देखिए यहीं पर एक और बना ही देता हूं आगे, यहां तक आ टेम्परेटर का आ गया। इसके बाद में एक रहेगा, इसको दो भाग में कन्वर्ट कर दिया जाता है, एक भाग और ये दो भाग, ठीक है। तो एक लाइन जो आ रहा है उसको दो भाग में डिवाइड करेंगे, तो ये कौन सा हो जाएगा 100% वाल्व, और ये भी क्या रहेगा 100% वाल्व, और यहीं से ही इसको ब्लीड करके लिया जाता है एक 25% वाल्व, जो कि दोनों लाइन से कनेक्टेड रहेगा, ठीक है, और एक रहता है आपका 30% वाल्व, ठीक, 20% 25% वाल्व और एक रहेगा 30% वाल्व, ये दोनों जगह से ब्लीडिंग रहेंगे। तो अगर आपको स्टार्टिंग में लेना है तो सबसे पहले क्या लेंगे हम लोग, 25% वाल्व को लेंगे, और 25% वाल्व को हेडर से, किसी एक हेडर से, ये हो गया हेडर वन और ये हो गया हेडर टू,
तो हेडर वन या हेडर टू में यहां पर क्या दिया जाएगा, एक वाल्व दिया जाएगा जिसको बोलते हैं आइसोलेशन वाल्व। इस आइसोलेशन वाल्व को यहां पर 25% में देखिए, यहां पर एक आइसोलेशन वाल्व दिया है। इस आइसोलेशन वाल्व को आपको ओपन करना है, ठीक है, स्लाइटली ओपन करना है। आइसोलेशन वाल्व के बाद में दिया जाता है आपका MOV, मोटराइज्ड ऑपरेटिंग वाल्व, ठीक है। उसके बाद में क्या रहेगा, MOV लगाया जाएगा। ये हो गया आपका आइसोलेशन वाल्व, उसके बाद में रहेगा यहां पर MOV रहता है, और उसके बाद FCV और एक रहता है मैनुअल वाल्व, ठीक है। तो अगर 30% वाल्व का आप ले रहे हो तो सबसे पहले आपको पड़ेगा आइसोलेशन वाल्व, और दूसरा रहेगा उसके बाद में MOV मोटराइज्ड वाल्व रहेगा, उसके बाद में रहता है FCV फ्लो कंट्रोल वाल्व, ठीक है। FCV का मतलब होता है फ्लो कंट्रोल वाल्व। उसके बाद में एक और रहता है मैनुअल आइसोलेशन वाल्व, मैनुअल वाल्व, और उसके बाद में सीधा ये इकोनोमाइजर का हेडर पहुंच जाता है, ठीक है। तो यहां पर अब क्या करना है, स्लोली ओपन द आइसोलेशन वाल्व ऑफ हेडर टू, चार्ज द फीड वाटर लाइन अप टू फीड वाटर स्टेशन तक। अब उसको चार्ज करना है, क्या करना है, इस आइसोलेशन वाल्व को जो यहां पर लगा 25% आइसोलेशन वाल्व को क्या करना है, स्लाइटली ओपन करना है। स्लाइटली ओपन करने के बाद में ये कहां चला जाएगा, MOV के पास। फिर उसके बाद में MOV को आपको चार्ज करना है। फिर उसके बाद देखिए आगे यहां पर लिखा है मैनुअल आइसोलेशन वाल्व ऑफ चार्ज हेडर टू 25% फीड वाटर हेडर ओपन करना है। उसके बाद ओपन द MOV एंड मैनुअल आइसोलेशन वाल्व आफ्टर FCV। देखिए उसके बाद क्या करना है आपको, MOV मोटराइज्ड वाल्व को ओपन करना है। मोटराइज्ड वाल्व को ओपन करने से पहले आपको चेक कर लेना कि FCV फुल्ली क्लोज्ड कंडीशन में होना चाहिए। FCV मतलब होता है फ्लो कंट्रोल वाल्व। तो इसको जब ओपन करेंगे तो पानी यहां तक पहुंच जाएगा, FCV तक पहुंच जाएगा, और FCV में पहुंचने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको ओपन नहीं करेंगे, आगे का जो मैनुअल वाल्व है, यहां पर एक और मैनुअल वाल्व है, उसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे, ताकि FCV और मैनुअल वाल्व के बीच क्या रहे, स्पेस रहे, ठीक है। तो यहां पर MOV को ओपन कर दिए हैं तो FCV बचा हुआ है। अब क्या करेंगे, स्लाइटली यहां पर एक ड्रेन दिया रहता है, FCV और मैनुअल वाल्व के बीच में एक ड्रेन लाइन रहेगा, इस पॉइंट पे एक ड्रेन रहेगा, उसको क्या करना है अपने को ओपन करना है। ओपन क्यों करना है, ताकि मैनुअल वाल्व और इकोनोमाइजर जो है उसके बीच का जो एयर है वो यहां से रिलीज हो जाए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, FCV को ओपन करने से पहले हम लोग को ड्रेन वाल्व को ओपन करना है। यहां पर जैसे लिख दिया हूं मैं, ड्रेन वाल्व आफ्टर FCV ओपन करना है। आफ्टर FCV मतलब FCV के बाद जो ड्रेन वाल्व है उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद में FCV को स्लाइटली ओपन करना है। अब FCV को जब हम लोग स्लाइटली ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ड्रेन वाल्व से पानी आना चालू हो जाएगा। फिर उसके बाद में ड्रेन वाल्व को फुल्ली क्लोज कर देना है, यहां पर ड्रेन वाल्व को फुल्ली क्लोज कर दो। उसके बाद 25% में फुल्ली क्लोज कर दिए, उसके बाद क्या हो गया, ये इस हेडर तक ये चार्ज हो जाएगा, और हेडर में चार्ज होने के बाद में ये पानी कहाँ जाएगा, इकोनोमाइजर, और इकोनोमाइजर का वेंट जो है ओपन होना चाहिए, ओपन वेंट, ठीक है। इकोनोमाइजर के वेंट को ओपन रखेंगे ताकि यहां से जितने भी इकोनोमाइजर में पानी होगा वो कहाँ चला जाए, एयर होगा वो वेंटिंग के थ्रू बाहर चला जाए। फिर जब पूरा ये पानी यहां से आना चालू हो जाएगा तो वेंट को हम लोग को क्लोज करना है, फिर ये चला जाएगा सीधा स्टीम ड्रम में, ठीक है। तो यही होता है आपको फीड स्टेशन को चार्ज करने के लिए सेम प्रोसीजर अपनाना है। याद रखिएगा BFP रनिंग कंडीशन में होना चाहिए। एक बार और अच्छे से बता देता हूँ, क्योंकि समझाते वक्त आप लोग को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, ऐसे में क्या जल्दी बाजी में बताऊंगा तब ठीक रहेगा। तो देखिए जब भी हम लोग चार्ज करेंगे तो BFP तक चार्ज होना चाहिए, आइसोलेशन वाल्व को हम लोग को क्लोज रखना है, जब भी चार्ज करेंगे उसके बाद क्या करेंगे, वेंट ओपन होना चाहिए और ड्रेन ओपन होना चाहिए। और क्या याद रखना है, यहाँ पर जो डिसुपरेटर लाइन और अटेम्परेटर लाइन है वो क्या होना चाहिए, क्लोज कंडीशन होना चाहिए। फिर उसके बाद आइसोलेशन वाल्व को ओपन करना है, ओपन करने के बाद में जहाँ से वेंट से पानी आना चालू हो जाएगा तो वेंट को क्लोज कर देना है। जब पूरा प्रेशर आ जाएगा तो इसके ड्रेन को क्या करना है, क्लोज करना है। क्लोज होने के बाद में पानी यहां तक आ गया। अब आने के बाद में मैनुअल वाल्व, ये सारे वाल्व तो हैं,
अब 100% को चार्ज करना है तो सीधा सीधा आपको एमओवी ओपन करना है और डायरेक्ट पानी को लेना है एफसीबी से, ठीक है। ये होता है प्रोसीजर। अगर इसी को ही हम लोग शट डाउन प्रोसीजर की देखा जाए तो कुछ नहीं है, सीधा दोनों डिसोपरेटर और अटेम्परेटर लाइन क्लोज करो, उसके बाद में सीधा सीधा आइसोलेशन वाल्व को बंद कर दो, ठीक है। और लास्ट में आइसोलेशन वाल्व यहां से बंद होगा, उसके बाद में आप सीधा ड्रेन को ओपन कर दो, ठीक। ये होता है आपका क्लोज कंडीशन में, ठीक। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर आप कमेंट्स करके बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, करना चाहेंगे तो। इसके लिए आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।